मेरे वालों सारे किसान वीरां नूं सति श्री अकाल जी। गुलाबी सुंडी की गल कर लैने आपां क्योंकि इहदे नाल ही सारियां चीज़ां जुड़ियां होईयां। हुण गुलाबी सुंडी का जिहड़ा हमला बठिंडे या मानसे दे विच होया सीगा, क्योंकि हमला तां इहदे विच उदों पता लगता है जदों आपां नूं टिंडे काणे नज़र आउणे चालू हो जांदे है। उन्होंने पिछले साल जिहड़ा सीगा ना 2020 वाला साल, वो जिथे एगलिंग हो गई सी, जिथे अंडे देते सीगे, जिहड़े लास्ट वाले टिंडिया दे विच सुंडी सीगी वो नज़र दे विच नहीं चढ़ी हुई सी, अपनी नज़र चो चढ़ी हुई है। हुण आपां नूं पता है कि उन्हां दे विच सुंडी का हमला हैगा। सो जे आपां पहलां तो सुचेत हाँ तां इहनूं मैनेज करना कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपां नूं उत्थे अवेयर नहीं सीगे, इस करके 80-80% 100-100% तक डैमेज होया। हुण आपां अवेयर हाँ तां इहदा मतलब ये नहीं भी आपां बिल्कुल अवेसले नहीं होना। इस करके जिन्हां सिफारिशां दसियां ना, चाहे 3-3.5 फुट पाड़े की है, चाहे चमत्कार की है, चाहे खादा की वरतों की है, चाहे बीज के पैकेट की गल की है, सारी की सारी गुलाबी सुंडी के नाल रिलेटड है। सो ये सारिया चीज़ा तो आप करनिया ही करनिया। नाल गुलाबी सुंडी का ध्यान रखने वास्ते जिहड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुहिम चलाई सी छट्टियां नूं डिस्ट्रॉय करन दी, सो ये सारे किसान वीर जानते हैं कि छट्टियां तो ही शुरू होना इन्हें काम, पर फिर भी कई दिक्कत आंदियां पईयां जिथे नहीं छट्टियां मैनेज होंदियां। सो उत्थे ज़्यादा सुचेत रहना पऊगा जिथे छट्टियां नहीं मैनेज होईयां या तुहाडे खेत दे आसे पासे पईयां। उत्थों कोशिश करो कि हर किले दे विच दो ट्रैप जरूर लगाओ, एक तां जिहड़े फेरोमोन ट्रैप आंदे ने 40-45 दिन तो बाद आपां लगाना जदों फुल फुलाके ते नरमा आउंदा पिया है, उस टाइम ते आपां फेरोमोन ट्रैप लगाना है 2-1 किले दी। इन्हें काबू नहीं करना, पर इन्हें आपां नूं दस देना है कि गुलाबी सुंडी अपने फील्ड दे विच हुण अंडे देण वास्ते आ गई है, तो उदों आपां नूं सुचेत होना पएगा। क्योंकि आपां कल्ले कल्ले फुल नूं नहीं देख पावांगे जदों 70-75 दिनां ते कहिंदे आ ना वी भंभीरी वर्गा फुल बन गया तां उत्थों समझो कि गुलाबी सुंडी आ गई आपणे, वो तो 70-75 दिनों से पता लगू, पर इहदी जिहड़ी आमद है जे होनी है तो अपने खेत दे विच जिहड़ी पहली पुश्त इहने चलानी है वह चुंडियां दे उत्ते भी चला लेनी है। सो इस करके जदों चुंडियां लगियां उस टाइम दे उत्ते आपां 40-45 दिनों दे आसपास उस टाइम दे उत्ते आपां फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ दे विच 2 वह जरूर लगा देने है। वह लगाने का तरीका सारे जानते होंगे कि फसल के उत्तों 1.5 फुट कद उच्चा रखना है, जिहड़ी डांग कढ़नी है जिहदे उत्ते बन्नना है ये, वह पहला ही 6 फुट की कढ़ दिओ क्योंकि वार वार बदली नहीं जाती अपने तो घोल हो जाती है। सो पहला ही 6 फुट की गड्डी होवे उहदे विच, पर आपां जिहड़ा जे 2.5 फुट कद है उस टाइम दे उत्ते तां आपां 3 फुट ते लगा देना है। 15 दिनों बाद उहदा 3 फुट कद हो गया या 3.5 हो गया, आपां 4 फुट ते कर देना है। सिंपल आपां उहदा धागा चक के उत्ते खिच्ची जाणा उहनूं। सो फसल तो 15 सेंटीमीटर उच्चा रखना है फेरोमोन ट्रैप। हुण इहने मदद की करनी है कि जे आपां नूं 4 या 5 दिन लगातार उहदे विच गुलाबी सुंडी दा पतंगा, क्योंकि वह गुलाबी सुंडी दे पतंगियां नूं ही खिचूगी आपदे आले पासे, गुलाबी सुंडी दा पतंगा 4-5 दिन लगातार आपां नूं दिखदा पिया उहदे विच आंदा, उहदे विच नर पतंगा आ के फसूगा। इहदा मतलब मादा पतंगा उत्थे एगलिंग करन वास्ते अवेलेबल हैगी है तुहाडे खेत दे विच। फिर आपां नूं स्प्रे आले पासे शुरुआत करनी पै सकदी है। जे पहली जनरेशन इदा सुखी सांदी टप गई, फिर फुल्लां ते दूजी जनरेशन आती है, उस टाइम ते आपां फुल दियां भंभीरियां चैक कर सकते हैं जिहड़े भंभीरी बने फुल, ते या यही तरीका जिहड़ा आपां फेरोमोन ट्रैप वाला, ये भी तकरीबन 15-20 दिनों बाद उहदा कैप्सूल जिहड़ा उह चेंज करना पैंदा आपां नूं, ताकि उहदी जिहड़ी सुगंध है उस तरह बरकरार रहे, क्योंकि हौली हौली सुगंध घट जाती है। आपां नूं ऐ लगेगा कि पतंगे तो आउंदे नहीं पए, पर उहदी सुगंध घटी हुई है इस करके पतंगे उहदे च नहीं फसदे होंदे। सो इस करके उहदा जिहड़ा 15-20 दिनों बाद कैप्सूल है वह चेंज कर लेना है। सो उहदे नाल आपां नूं पहला पता लग जूगा कि गुलाबी सुंडी का हमला होने वाला है। दूसरी जिहड़ी इहदे विच एक टैक्नीक हैगी है, यूनिवर्सिटी ने सिफारिश करती है, कई कंपनियां अपने पंजाब दे विच शायद वेचणगियां भी, सपलैट टैक्नोलॉजी जिहड़ी है। सपलैट जिहड़ी है इह भी इस चीज़ के उत्ते एक्ट करती है जिस तरह फेरोमोन ट्रैप होंदा,
एक जिमें कोलगेट की या टूथपेस्ट की ट्यूब कह लिए 125 ग्राम की, सो ये आँदी 125 ग्राम की 1100-1200 की एक ट्यूब। सो ये जी ट्यूब है दा इन्हें भी उही खुशबू छड़नी है, पर यह आपां दो या तीन जगह पर नहीं लगानी, ये एक किले दे विच 400 जगह पर लगानी है, हर 5-5 मीटर पर या 20-25 बूटे नूं लगाते जाओ, फिर इधरों 10-20 लाइना छड़ती हैं, फिर 20-25 बूटे नूं लगाते जाओ। सो वो जिहड़ी पेस्ट है, जिवें आपां ब्रश दे उत्ते थोड़ी जी पेस्ट लगाने हैं, बिल्कुल थोड़ी जी, वो लगानी है आपां उपरली 5वीं या 6वीं गंढ ते, उपरों नरमे ते। सो जिहड़ी 5वीं 6वीं गंढ है ना, वो 30 दिनों बाद तकरीबन होर उत्ते नूं ग्रोथ हो जूगी, उहदे च तकरीबन कह लिए आपां 10 गंढां होर बन जांदियां, फिर 30 दिनों बाद दुबारा लगानी है। इस तरह करदे आपां 3 वारी लगानी है, 45-50 दिन तो शुरू करना है, पहली 45-50 दिन ते लगानी है, दूजी आपां 80 दिन ते लगानी है, तीजी 110 दिन ते लगानी है। इहदे नाल जिहड़ा गुलाबी सुंडी दा डैमेज स्प्रे करन तों बिना ही काफ़ी हद तक घट जांदा, इह जदों 400 जगह ते खुशबू आपां लगाई हुंदी है, यानी कि 3300-3400 का खर्चा पऊगा एक किले का, पर स्प्रेयां का खर्चा ये एक तरह का जीरो कर देती है, क्योंकि इन्हें काम की करना उस तरह ही जिहड़ा दस्सिया ना फेरोमोन ट्रैप खुशबू है तो नर पतंगा आ जाता वो, जदों आपां 400 जगह पर खेत के लगाई होगी ना, यदी खुशबू जिवें आपां कह लिए एक कमरे के खुशबू घट है, वो दो ट्रैप ही लगाने ना जिहड़े, उन्हां च खुशबू ज़्यादा हुंदी है, इहदी थोड़ी खुशबू घट है, पर कह लिए कि जे एक कमरे दे विच आपां मध्यम जी खुशबू वाला परफ्यूम छिड़किया होवे, उस तो बाद आपां कोई स्ट्रोंग परफ्यूम भी छिड़क दिए, किसी नूं पता नहीं लगेगा, क्योंकि उहदी नक नूं आदत पै जांदी है, पहले ही उस च खुशबू छड्डी हुई है कमरे दे विच, तो दूजी कोई स्ट्रोंग परफ्यूम वाला भी आएगा तो उहदी आपां नूं खुशबू नहीं आऊगी, अपना नक सिर्फ उही चीज़ सूंघूगा, उही है उहदे विच कि उहदे च जिहड़ा एक तरह की एक चादर बन जाती है या कह लो खुशबू की उपर सारी कैनोपी के उत्ते, जिहड़ा नर पतंग है वो उत्थे ही जिहड़ा निकलूगा ना उत्थे ही भटकदा रहूगा उस खुशबू के आले दुआले। सो उन्हें मीटिंग नहीं करनी है फीमेल दे नाल, सो जिहड़ी है एग लेइंग है जिहड़ी ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, उन्हें अंडे दे नहीं देने, क्योंकि जे मीटिंग नहीं होनी तो अंडे ही नहीं दे पाने उन्हें पतंगे ने जिहड़ी नर पतंग है मादा पतंग है। सो एयर जिहड़ी टैक्नीक है इहदे विच सिर्फ जिहड़ियां एक दो गल्लां दा ध्यान रखने वाला वो ये है कि एक तो 3 वारी मिनीम लगानी पेगी खेत दे विच, 125 ग्राम एक बार च लगेगी, 375 ग्राम ट्यूब लग जानी है, यानी कि 125 ग्राम की ही पैकिंग आती है एक बार च लगाने वाली, इको बार च एक किले खत्म करनी आप। सो दूजी जिहड़ी है जिन्ने वध रकबे ते लगेगी उन्ना ज़्यादा इहदा रिजल्ट चंगा आऊगा, क्योंकि इस तरह नहीं कर सकते आपां कि आपां कहीए भी इसकी एफीकेसी देखनी है, एक किले ते लगा ली ते नाल वाले एक किले ते छड़ती, इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें खिंचना तो आपकी तरफ नर पतंगे नूं है। हुण जिहड़ी गुआंढी दे खेत विच जिथे ट्यूब नहीं लगी हुई जे उत्थे वह मादा पतंगा है तो उत्थे भी नर हैगा तो अंडे तो मादा किते भी आके दे सकती है, इस करके फायदेमंद उत्थे है जिथे 25-30 किलियां दे टक दे विच लगी होवे, चाहे रल के पिंड लैवल ते लगी होवे, चाहे किसी तरीके नाल लगी होवे, बस ये है कि इहदे नाल जिहड़ा गुलाबी सुंडी का खतरा वो जीरो दे बराबर ही हो जाता है, कह सकते हैं आपां जदों एगलिंग नहीं होनी, अंडे नहीं होने तो सुंडी नहीं बननी, अगली जनरेशन नहीं आनी उहदी, जे जनरेशन नहीं वधनी तो फिर वह उत्थे ही खत्म होगी, समझो टिंडे काणे नहीं आपां नूं लभणे उहदे विच्चों। सो ये एक टेक्नोलॉजी है जिन्हों यूज़ करके USA ने BG2 दे विच ही 4-5 सालों के अपने किसी इलाके दे विच उन्हां दे बहुत ज़्यादा इहदा हमला आउण लग गया सी पिंक बोलवाम दा, सो उन्होंने 4-5 सालों के बिल्कुल खत्म ही करती वह उत्थे उहदी होंद ही खत्म हो गई। एक तो हुंदा कंट्रोल करना, कंट्रोल हुंदा कि किसी लैवल तो हेठां कर देना, उन्होंने इरेडिकेट करती भी इहदी होंद ही नहीं उत्थे रही, क्योंकि उहदियां पुश्तां कोई बणियां ही नहीं किसी किस्म दियां। सो उही है कि बट ये क्योंकि हर किसान की कपैसिटी कह लिए या नज़रिया कह लिए वो वक्रा वक्रा होएगा तो ये थोड़ी जी समस्यावान ये आ सकती हैं।
सो ये जिहड़ी है ये आपां यूज़ करके गुलाबी सुंडी नूं टाकरा दे सकदे हां। तो जिहड़ी बेस्ट चीज़ है वह यही है जिहड़ी इहदे अपने हाथ दे विच आउंदी है वो ये कि सिर्फ नरमे का कीड़ा है। जे नरमे तो बाद दूजी नरमे की फसल आने तो पहला आप पिछले नरमे का सारी रेंद खूंद खत्म कर दीए तो ये जी समस्या है ये वैसे ही घट जूगी, फिर आपां नूं इन्हां चीज़ों वाल जाण दी जरूरत नहीं है। सो मैं यही कहूँगा कि जे पिछले साल किसी ने छटियां रखिया सी तां एतकी तां ये सोचो कि आपां छटियां जे रखांगे तां सांभण दी नौबत आऊगी, फिर मन नहीं करता इहनूं झाड़ीए इहदे ते लेबर लगाइए ते उह करिए। तो कोशिश करो कि छटियां उन्नियां रखो जिन्हों सांभ सकते हैं, उस तरह ना रखो कि जिन्हों आपां कहीए कि 8-10 ट्रालियां पईआं साडियां तां इनू हुण किवें पलटा पलटी करिए या किवें झाड़ीए किवें इनू डैमेज करिए। सो दे नालों चंगा पहला ही खेत दे विच आपां मलचर चला के उहनू विच वाह दीए कणक दी सोइंग तो पहला। सो उहदे नाल जिहड़ा बेस्ट इहदा आपां छटियां दा जिहड़ा या नरमे दी रहिंद खूंद दा आपां कम कर सकदे हां।